हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरे चैनल योगिता द एक्सप्लोरर में आप सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम लोग जो है एक नई चीज अपने चैनल में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग हर संडे को जो है कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ के लोकल में या फिर यहीं से कहीं आसपास या जहाँ पर भी हमारा मन हो जाने का, तो हम वहाँ की चीज़ें जो एक्सप्लोर करने वाले हैं हर संडे में। एक संडे डायरीज करके अब एपिसोड आने वाला है और वो मैं हर संडे शूट होगा और मंडे को मॉर्निंग के टाइम पे 8 to 9 o'clock के आसपास मैं जो है अपलोड कर दिया करूँगी अपने चैनल पे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग आज जो है अपना फर्स्ट एपिसोड टाइप के हम लोग जो है अपने व्लॉग में अपलोड करेंगे। तो आज जो है हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, फर्स्ट डायरी संडे की हमारी मेंटेन होने वाली, मतलब फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम लोगों ने अभी आज स्टार्टिंग के लिए जो सबसे पहले जगह सेलेक्ट करी है वो है पिथौरागढ़ के लोकल में ही। आजकल एक नया पार्क खुला है यहाँ पे, उसका नाम है ग्रीन आइलैंड। वो बहुत मतलब फेमस तो क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर, मेरे को लग रहा है सब लोग घूमकर आ गए होंगे। उसको काफ़ी मंथ्स भी हो गए ओपन हुए हैं, बट हम लोग अभी तक जा नहीं पाए किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो हम लोग आज फाइनली जाने वाले हैं। हम लोगों ने प्लानिंग सब कर ली है कि आज हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर पक्का करेंगे उस ग्रीन आइलैंड को, और कैसी चीज़ें हैं वहाँ मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और अभी हम लोग निकलते हैं, लेकिन आज का वेदर जो है थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, तो उसके लिए कन्फर्म नहीं है कि बारिश मिले या ना मिले। चलो फिलहाल हम लोग जाने की कोशिश तो करते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही, तो इसलिए हम लोग निकलते हैं घर से। पहले मैं रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो अभी केलू जो यहाँ पर ऐसे सोया हुआ है, ये पता नहीं हमारे साथ आएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ अलाउड है कि नहीं है ये नहीं पता, तो पता करके जाएंगे, वरना हम केली को भी लेके जाएंगे। और साथ ही साथ जो वेदर है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है, मतलब पूरा बारिश वाला हो रहा है मौसम, और ऑलरेडी शायद रात को टाइम पर बारिश हो रखी थी, बट अभी लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करके और रेडी होके हम लोग निकलेंगे तो सही, क्योंकि संडे डायरीज तो पक्का आएंगी आज चैनल में। फैमिली मैं है ना तैयार होकर 2 घंटे से बैठी हुई हूँ और आपको मौसम बताऊँ कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है, यहाँ कहीं जाने जैसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बारिश दिखाती हुई कैसी हो रही है, और यहाँ 2 घंटे से जो है बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। अब आई डोंट नो कि हम लोग कैसे जाएंगे और जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। आज का आउटफिट ऑफ द डे रखा है अपना ब्लू कलर का जीन्स एंड ऑरेंज कलर का टॉप, और मैंने आज 2 छोटी छोटी चोटी बनाई हैं। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, क्या पता मौसम सही हो जाए उसके बाद चलेंगे, या मैं तो कह रही हूँ बारिश में चलते हैं, देख ही जाएगी जैसा भी होगा। तो फिलहाल मैं कुन्नू को भी रेडी करवा लेती हूँ फटक से और फिर हम लोग निकलते हैं। कैलू नहीं जाएगा हमारे साथ, तू नहीं जा रहे ना, तू नहीं जा रहे ना, चलो हेलो कर दो फिर, चलो हेलो कर फिर लेके जाएंगे। ये देखा बेटा आज कितनी जल्दी हेलो कर रहे हैं, गंदे बच्चे। चलो अब हम निकलते हैं। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग जो है निकल रहे हैं, बारिश भी अभी भी हो ही रही है, रुकी नहीं है। क्या गिफ्ट दे रहे हो क्या गिफ्ट दे कितना अच्छा गिफ्ट मिला देखो आपको अभी लगा दो और जितना आवाज आ जाएगी इसको गेट बंद करना नहीं आता है।
ले पकड़। आपको तो वो हो गया आसाज। अरे इतनी थोड़ी में थोड़ी हो गई मजा आएगी। छड़ा दे किसको? छत्ता को। वेलकम टू माय व्लॉग्स। हेलो दीदी सर। हेलो Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello. My YouTube channel. इस चैनल पे हमने हैक कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया है। ये पूरे ब्रेकिंग आउट्स का चैनल है मेरा, ऐसे लग रहा है। चलो ब्रो, चलो चलो, कुछ नहीं है विजय। और चलो चलो और चलो और ये चला जाओ। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटे तुझे अभी बुला रही है, न जाओ दूर इनसे कहे सुकून कहाँ पे है, हासिल दिल को मेरे के मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने। यहाँ से लेफ्ट ना लीजो, ये गाड़ियों वहाँ भी व्लॉगिंग स्टार्ट है, यहाँ भी व्लॉगिंग स्टार्ट है। देखो व्यू देखो, पहले तुम बाहर का व्यू देखो, फिर वाले का। मुसाफिर तो एक बार फिर तू हंस के जरा दे सर पर तो। अबे कुणाल, कुणाल जी सारी जगह ब्लॉग में कैमरा। अरे सर आप भी आओ, सनरूफ बैठ करो लद्दा वाला एरिया काट के सनरूफ। गाइस बाहर बहुत तेज बारिश है, ये पानी ब्लॉग। हमने खाली बताया हम जा रहे मेला। कोई जगह का नाम है क्या मेला? हाँ बड़ा बड़ा सा, अगर ताकत से चला दे तो ऊपर दूसरे पहाड़ में राइट लेफ्ट राइट को जाएंगे ना नीरू। पूरे व्लॉग में क्वालिटी की क्वालिटी आ जाएगी गाइस। ये है मोस्ट माड़ मंदिर, ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ऊपर का। ये देखो यही है, देखिए ग्रीन आइलैंड सब जगह, 24 हर जगह ग्रीन ही ग्रीन हो रहा है। पाला ग्रसित क्षेत्र है, सिर्फ पाला क्षेत्र है, पाला है बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्रसित तो शहर ना हो, पाला है। बेटा आगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो, लेफ्ट से देखना है तो वहाँ योगिता एक्सप्लोर में देखो, राइट से देखना है तो इधर आओ। ये तो कितना खतरनाक हो रहा है, मोड़ पर हम मिले हैं। यहाँ पे तो नीरू वही वाली फील आ रही है जब हम लोग स्टार्टिंग वाले में नहीं गए थे, फाइनली पहुँच गए हैं।
व्लॉग स्टार्ट कर दो प्लीज। और यहाँ पर भीड़ तो हो ही रही है, छोटी छोटी, बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो वैसे भी फाइनली जो है ग्रीन आइलैंड तो पहुंच गया, बट पूरा मौसम कोहरा कोहरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। मैं खरीद रहा हूं वैसे ना नीचे का इसके, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मेरा खरीदने का प्लान हो रहा है इसको। मुझे तो पूरी मसूरी वाली वाइब्स आ रही है आज। फाइनली हम लोग जो है ग्रीन आइलैंड तो पहुंच गए। जो रास्ता था ना आने का, लिटरली इतना खराब रास्ता, खराब तो क्या, बट इस कॉमन रास्ता था, इधर साइड से सारे पहाड़ और ऐसे रास्ते, और मुझे इतना डर लग रहा था ना, मेरे पांव बिल्कुल जाम हो चुके थे, बट जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं अंदर जाके अंदर की चीज़ें कैसी हैं। गेट में एंट्री करते ही सबसे पहले आप लोगों को जो है टिकट कटाने पड़ेंगे 20 पर पर्सन के हिसाब से। डन, एक बार दिखा दो। ये लो, ओह नो। धन्यवाद। ये नीचे टेंट क्यों लगाए से? हेलो, यहाँ पे जानवर सुनते हैं ना, रहने के लिए रात को रुक भी सकते हैं यहाँ पे, बर्थडे पार्टीज वगैरह। सर हाँ लिखा है, नहीं, यही तो है जिप लाइन, लेकिन अभी तो एक्टिवेट नहीं है ये। नहीं नहीं, एक्टिवेट भी थी लेकिन अभी नहीं हो रही थी शायद। मेरे को तो इसमें चलना है। बड़ा यार तो डरा में भयंकर बाकी है। अच्छा दोस्ती बात नहीं रहते सर, इस इसमें चलना है। ये तेरी है नीचे यहां पे। ओह माय गॉड। बढ़िया ये हुई ना, क्रिएटिविटी, छोटे छोटे कैंसर बड़े गए हैं। यहाँ पे देखो बैठने वाला भी अच्छा बना रहा है। मेरे कहने पे पता नहीं है भी कि नहीं है। नहीं, मोटर होगी इसमें, टकराएगी इसमें। हाँ मोटर पानी का कुछ होगा, लेकिन स्विमिंग पूल थोड़ी है तो नॉर्मल है बस। ये बच्चों के लिए, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। नहीं हुए खरगोश होंगे इसमें पक्का, डन हो गया। अंदर चले गए, कहाँ जा रहे हो? सिटिंग एरिया। यहाँ पे तो ऑलरेडी सामान वगैरह रखा है किसी का, कोई आया होगा ना यूज करेगा। ये देखो बस साइकिल वाला अच्छा लग रहा है। ओ मेरे साजना रे डोला मेरे, आंखों में देखो मेरी दिल की कहो। ओ मेरे साजना रे डोला। यहाँ पे भी सर देखो कुछ होता है, यहाँ पे कुछ तो बना रहे हैं। ये वो बना रहे हैं डायरेक्शन के लिए कि कौन सा कहाँ जाता है। मैं चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट और डेविल हाउस, ऊपर बाकी उधर साइड पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। देखो मैं जाके वहां से कहीं दो, मैं इधर पूरा लेके जा रहा हूं यहां, सोचती नहीं कर सके। गुड, उसको देखो जरा, कैमरा ऑन करे, मैं नहीं शूट कर रहा हूं। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे। मौसम ऐसा हो रहा है कि जा भी नहीं सकते इसके अंदर। क्या सर? वो
बात करने के बाद रिलैक्स करने के लिए ना बैठने वाला और वहाँ पर भी तो एक एडवेंचरस हो रखा है लेकिन ये एक्टिविटी है या नहीं है अभी नहीं है शायद मेरे को क्योंकि मौसम भी तो खराब हो रहा है तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे दम 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 हर दम हम यहाँ पर बैठने जाएगा ये फोटो शूट है यार मल्टीपल कॉन्सर्ट वो तो आओ छिड़ जाएगा नीचे ये कैंप फायर के लिए है क्या सर ये झूले भी हैं मल्टीपल ट्रैम्पोलिन भी है वहाँ पे भी कुछ है जिन्होंने टायर से ढका हुआ है देख मरते हैं नाम के तेरे जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे जाना समझो तो हमने यहाँ पर वहाँ पर हर जगह फोटोशूट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं कैफे तेरी बाहों में जीना है मरना है इश्क में तेरे इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने दिल देके भी ये रातें काटी अकेली मैंने एक भाई मुझको उलझी सी जाना तू वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने जाना समझो ना हम डरते हैं देखे अगर आपको पता हम लोगों ने इतना सारा खाना खा लिया है बिल्कुल पेट भर चुका है और मुझे तो अब कहीं भी जाने की मन ही नहीं है नीचे अभी हम लोग जाने वाले थे बट यहाँ पर बारिश हो चुकी है और ये रुकने का नाम अभी ले नहीं रही है आधा घंटा हो गया हमें वेट करते करते थोड़ी देर और रुकते हैं अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर हम लोग वापस जाएंगे यहाँ पे बहुत लेट होने वाला है यहाँ पे आप दिखाइए प्रॉपरली अच्छे तरीके से यहाँ का एरिया और वो वाले एरिया में ना कैंपिंग भी होती है बट अभी स्टार्ट नहीं हुई है सो गाइस अभी हम लोग जो है अंदर से बाहर आ गए क्योंकि वहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे और बारिश का वेट कर रहे हैं अब यहीं पे कहते हैं थोड़ी देर अगर रुक जाती है तो उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे अगर नहीं रुकते तो उसके बाद चलेंगे हम वापस ऊपर गोरा दिख रहे हैं क्या अरे मैं तब भी काले जा रहा हूँ काले हो तुम सब काले हो मैं इधर से आंदो फिर पता चलेगा मैं बैठ एक बार यहाँ पर देख ये देख अगर गोरेपन में मार्क्स दिए जाए ना तो 10 out of 10 8 out of 10 माइनस में दे दूंगी अपने आपको सर लोग आ रहे हैं क्या आ रहे हैं आगे आगे सर लोग हेलो सर फिर से कोल्ड ड्रिंक अभी तो पी थी मैंने पेप्सी फैंटा ले आते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं थैंक यू सो मच जो हमारे खाने का आइटम इतना सारा खा चुके हैं और बारिश नहीं रुक रही है अब हम घर को ही निकलते हैं तो नीरू यहाँ से पेपर फेंकेंगे
उस साइकिल के टायर के थ्रू और एक नहीं हुआ है कैच और कुन्नू कैच करने वाला है। ये हो रहा है टाइम पास। नहीं चले गया वो तो क्या हर बार बहुत पार हो गए भी यहाँ पे अभी हल्की हल्की बारिश तो हो रही है बट फिर भी हम लोग थोड़ा नीचे को जाकर आते हैं क्या है देखने के लिए। चुप किस चीज की ये तो ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे नीचे उतर रहा मेरे पीछे भी ये छोटा सा बच्चा देखो हमारे रहा था हमें यही मिला है। सो गाइस अभी हम लोग ऊपर से जो है नीचे वाली पोर्शन में भी आ गए हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है इधर साइड से तो देखो पूल वाला एरिया ये स्टार्ट हो रहा है उधर साइड को जो कैंपिंग वाला है वो है एरिया और यहाँ पे थोड़ा सिटिंग वाला एरिया है और उधर ट्रैम्पोलिन वगैरह लगा है लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम लोग अभी वहाँ पर नहीं जा रहे और अब चलते हैं घर और कुछ नहीं है सब यहाँ पर अभी देख लेते हैं वरना यहाँ पे क्या दीदी ये कैंपिंग के लिए है रात को यहाँ पर नहीं है उधर साइड में। अरे नहीं मतलब वो बॉन फायर इधर पे नहीं ऊपर से हाँ वो भी देख लेते चलते चलो याद देख अरे आया थोड़ा कहीं टूटेगा बेटा। तो अब हम लोग डेड एंड में आ चुके हैं यहाँ से आगे कुछ नहीं है। अरे हाँ वेस्ट्री का है हेलो ये है वेस्ट्री चलो आगे चलो फिर कहाँ आगे आंटी के सर फ्री के मजे तो निकल गए आओ चलो विश ट्री पे विश मांगेंगे सब बेटा चलो बाय बाय थोड़ा गुस्से वाला है हेलो तीन है सर पता है ऊपर हाँ। जाएंगे सर एक बार रुको बहुत तगड़ी फोटो आई है सर ट्राई करो इसको जीतू करना अरे कुछ नहीं है आसान पे सर आप जाओ आप चले जाओ आपको ट्राई करना है इसमें दो लाइक भी है क्या एक बार में जाने का हाँ दो में दोनों चले जाते हैं सिंगल जाना कुछ नहीं होता है चंद पहले साइन करो साइन करके अगर तुझे कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्यों करा रहे हो फॉर्मेलिटी है ना इसमें इक्विपमेंट की पूरी गारंटी रहती है हमारी अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है उसके लिए है। अच्छा हार्ट अटैक आ गया तो इतना तेज भी नहीं भेजेंगे आपको हार्ट अटैक आ गया और एक साइन कर दे कि अगर कुछ होता है तो मैं अपनी जिम्मेदारी है क्या सर आप जा रहे हैं ना ना सर पहले इसको कर लो फिर कर लेंगे ठीक करना है क्या पहले इसको करने दो भैया मैं वीडियो बना था जी ऑल द बेस्ट छोड़ दो फुल स्पीड में हम कैसा लगा मजा आ गया मजा मजा आया फोन में कैसा आया जिंदगी की नहीं गैलरी कहाँ तेरे फोन की जाना है चलो गया और उसको बता दो कि रफ्तार में छोड़े ठीक है जाके रोके बोल अब ये कुणाल जी जा रहे हैं ऊपर
हाँ गाइस, पहले यहाँ पे साइन भी करना पड़ता है, निपट गए तो इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। कुणाल से पहले मैं गया था, मेरा भी नाम इधर। इसमें जाऊं? बैठ जाओ। बहुत मजा आ रहा है। ए भाई, यहाँ से वापस भेज दो मेरे को। आगे तो डर लग रहा था। नहीं, शुरुआत में लग रहा था, जब वहां पे थे तब नहीं लगा। उसके बाद आन दो पांव ऊपर में, सर को पीछे करो, नहीं तो हेलमेट टकरा देगा। ऐसे 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 आराम से झुक जाओ, फिर अब रिलैक्स से खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कुणाल भाई सब वापस आ रहे हैं वहां से। कैसा रहा भाई साहब एक्सपीरियंस? मजा आया। हाँ, नाइस। तो गाइस, अभी हम लोग जो है ग्रीन आइलैंड सारा एक्सप्लोर कर कर आ गए हैं, और अभी है ना हम लोग वापस घर की तरफ को निकल रहे हैं। एक बार लास्ट बार अगर ग्रीन आइलैंड यहाँ नीचे से दिखता है तो मैम। गाइस, इट वाज फन टू बी इन हियर, और बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। काफी ज्यादा चीजें हैं, एक तो ज़िपलाइन वाला एक्सपीरियंस है, एक वो ब्रिज वाला है, और बाकी घूमने के लिए भी अच्छा है, पीसफुल प्लेस भी है, और काफी एक आपको फनी मोमेंट भी मिलेगी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। अगर आप लोग भी आना चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छी जगह है, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और व्यू भी अच्छा है, और व्यू भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। बहुत मजा आया आज, फर्स्ट हमारी जो है संडे डायरी थी, और इतना मजा आया ना फर्स्ट दिन में ही। हम लोगों ने सोचा था बारिश की वजह से खराब हो जाएगा, बट फिर भी अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, हमने बहुत मजे किए, और हम लोगों ने इतना सारा खाना खाया ना, बहुत मजा था, खाने भी बहुत अच्छा था, और काफी चीजें हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम करी है। इन लोगों ने ज़िपलाइन भी जो है फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, वो सारी क्लिप्स जो है मैं ऐड कर दूंगी। और अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ को, चलो चले। टुडुंग, रोज आप कैसा लगा दोस्तों आज का एक्सपीरियंस? फन, इट वाज फन। आप मजा आया एक्सट्रीम फन? आप बताओ हमारी फर्स्ट राइडिंग कैसी रही आज? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब रजत भाई आप भी बताओ, शानदार, सबको मजा आया। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ को, आ जाओ। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, बहुत डर लगा इस वाले रास्ते से अभी आने में, मेरे को तो सच में डर। अभी हम लोग जो है पिथौरागढ़ में व्यू पॉइंट में आके रुके हुए, और यहाँ पर जो है चाय के बजे लिए जा रहे हैं। कैसे हो चाय? कहाँ से आ रहे हैं अभी?
फिल्म बना रही है स्कॉर्पियो की। चाय कैसी हो रही डू? यूगा 04 है। ठीक है बताना इंप्रेशन चेक करो। ओके। रजत को रजत को रजत को देना थी रजत को करो रजत को रजत को सीखते लोग कैसे करते हैं। ये बोर्ड देख के निकलता भी है क्या? क्यों? चलो रजत भैया। निकलने वाला नहीं है भाई निकलने वाला है। अब चाय। हाँ आप भी एक्सप्रेशन से बताना ठीक है कैसी हो रही है। रात को आऊंगा मैं तुझे। चोरी से आना। सो फैमिली अभी हम लोग जो है घर पहुंच गए हैं और इतना फन डे रहा ना, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को आज और बहुत अच्छे से हमारा जो है संडे बहुत अच्छा बीता है। तो अभी मैं इस व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और साथ ही में अब ये संडे डायरीज जो है कंटिन्यू रहेंगी और हर मंडे को अपलोड होने वाली है वीडियोज़। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।